एंगल होगा, निकाल से फोल्ड करेंगे और स्लाइटली फ्लेक्स करेंगे 120 डिग्री, और रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। पेशेंट से कहेंगे कि वो नी को एक्सटेंड करें। सेम नेकिंग प्रोसेस हम 90 डिग्री पर रिपीट करेंगे, 60 डिग्री पर रिपीट करेंगे, 30 डिग्री पर रिपीट करेंगे। अगर जब हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे ऐसे में अगर पेशेंट को कहीं भी पेन आ रहा है किसी भी डिग्री पे, तो फिर हम फिर से हम रिपीट करेंगे। और बट रिपीट करते टाइम हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जो पटेला है लैटरली शिफ्ट हो गया तो हम उसको मीडियली शिफ्ट करेंगे। ऐसे में अगर पेशेंट को पेन का पेन जो है वो कम हो जाता है तो वो पॉजिटिव है, और उसको मतलब मैकेलन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। क्लैप साइन टेस्ट, पेशेंट को स्पाइन पोजिशन में लेटाएंगे, लेटाने के बाद से हम उसके नी को एक्सटेंड करेंगे। नी एक्सटेंड करने के बाद से हम अपने वेब स्टेट से पेशेंट के पटेला पे हम इंटीरियरली वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, और पेशेंट से कहेंगे कि अपनी बॉडी से वो कॉन्ट्रैक्ट करें, जिससे वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पटेला पे सुपीरियरली फोर्स करेगा। अगर ये करते टाइम पेशेंट का पेन कम हो जाता है तो मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हमने पटेला टेंडिनाइटिस को इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी इंटीरियर नी में पेशेंट एडल्ट है, और जब वो कुछ ऐसे वो स्पोर्ट पर्सन है ऑलरेडी, जब वो कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहा है तो पेन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। बट इसको रूल आउट हमने इसलिए कर दिया है क्योंकि कहीं भी पटेला के ऊपर लोकलाइज टेंडनेस देखने को नहीं मिला है। ऑस्मोलेस कैंसर डिजीज, इसको हमने इसलिए दे रखा है कि सेम रीजन पेशेंट स्पोर्ट पर्सन है, और इसको हमने रूल आउट इसलिए कर दिया है कि जो पेशेंट के पटेला से कहीं भी बोन प्रोमिनेंसेस देखने को नहीं मिला। कॉर्नोमलेशिया पटेला, इसको हमने इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि इसमें भी इंटीरियर नी पेन है और लैक ऑफ क्रिटिकल सर्जरी एग्जामिनेशन और एज फैक्टर भी है। पेटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, पेटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम हमने इसलिए क्लियर रखा है कि इंटीरियर नी पेन है, और जो हमने मैकेलन टेस्ट और क्लैप साइन टेस्ट कराया है वो पॉजिटिव आया है, और पेशेंट की जो मदर है उसको भी पहले से पेटेलोफेमोरल है तो मे भी चांसेस हो सकते हैं। डायग्नोसिस रिलेशन, इसमें हमने एक्सरे एमआरआई इसलिए करा लिया है कि कोई भी मतलब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ना हो, लिगामेंट या कार्टिलेज इंजरी ना हो। डायग्नोसिस में पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम ही आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। सेकेंड और जैसे कि वो ओवर यूज कर रहा है, स्पोर्ट पर्सन है तो ज़्यादातर अपने नी का यूज कर रहा है तो आ सकता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो हम मैकेलन टेपिंग कराएंगे। टेपिंग क्या करता है कि जो हमारा पटेला जो है, जैसे टेपिंग हम इसलिए परफॉर्म करेंगे कि जो हमारा BMO वास्टस मिलियट मीडियलिस ऑब्लिक जो है मसल है, जो कि हमारी बॉडी से इंटरनल मसल होती है, जो वीक हो गया है उसको वो मतलब उसका काम करता है और पेन को रिलीफ, पेन थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा है कि हम ये राइस प्रोटोकॉल देंगे जिसमें रस प्रोवाइड करेंगे, आइस अप्लाई करेंगे 48 आवर्स के लिए, जिसमें 4 से 8 बार हम अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करके रखेंगे और एलिवेट करके रखेंगे। बाकी पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे कि जब भी वो अपने स्पोर्ट्स वगैरह में जाए तो प्रॉपर फुटवेयर पहन के जाए, तो कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले अच्छे से वॉर्म अप करें, और हमारा मतलब मेन फोकस ये होगा कि वापस हम उसे नॉर्मल लाइफ में ला सकें ताकि वो अच्छे से अपने स्पोर्ट्स वगैरह को ज्वाइन कर सकते और लॉन्ग टर्म